भगवान के पास है ना लेजी लोगों के लिए टाइम नहीं रहता है, क्योंकि भगवान है ना हमेशा क्रेजी लोग के पीछे बिजी हो जाते हैं। कुछ करना तो है, टटकर चाहे थोड़ा दुनिया से हटकर चले, लीक पर तो सभी चलते हैं, लेकिन कभी इतिहास को पलटकर तो देखे। तो भगवान ने माँ बाप को दिल में बच्चों का, हर एक माँ बाप के दिल में बच्चों का प्यार दिया ही है भगवान ने, लेकिन बच्चों के दिल में भी माँ बाप का प्यार दिया, लेकिन उनके परिवार के लिए प्यार दिया है। आज मैं तीन चीज के ऊपर बात करूंगा, एक तो सेल्फ के ऊपर, दूसरा आजकल डिजिटल जो चल रहा है उसके ऊपर, और तीसरा अगर दोस्ती करनी है तो कैसे करनी, किसके साथ करनी। तो देखो, अगर कोई भी इंसान दिल दिमाग और जुबान ये तीन चीज पे ध्यान देता है ना, तो सफलता है ना उसका कदम चूमती है, राइट। तो अभी अपना जो दिमाग रहेगा तो वो कैसा रहेगा, तो दिमाग जो रहेगा वो आइस फैक्ट्री की तरह होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका माइंड कूल रहेगा ना तो जिंदगी में कभी भी भविष्य की चिंता आपको रहेगी नहीं। दिल आपका कैसा होना चाहिए, स्टील फैक्ट्री की तरह, तो वो लोहे की तरह अपना दिल मजबूत होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज का अपने को कोई डर ही नहीं लगे लाइफ में। ये मेरा 42 इयर्स का एक्सपीरियंस और ये मैंने कहाँ पे सुना भी था, तो ये दोनों बहुत टच करते थे। और जुबान अपनी जो है ना वो शुगर फैक्ट्री की तरह होनी चाहिए। आप बोलो तो इतने मीठे बोल बोलो ना कि लोगों के दिल में सीधी जगह ही बन जाए, राइट। तो अगर ये तीन फैक्ट्री के अगर आप मालिक बन गए, फिर देखो आपकी जिंदगी आपको कहाँ ले जाती है। तो मेरे काजिम सर है, उनका मैं एक कोर्स कर रहा हूँ, तो वो हमेशा बोला करते हैं कि ये जिंदगी ये लाइफ में है ना दो टाइप के लोग रहते हैं, एक रहते हैं क्रेजी और दूसरे रहते हैं लेजी। तो भगवान के पास है ना लेजी लोगों के लिए टाइम नहीं रहता है, क्योंकि भगवान है ना हमेशा क्रेजी लोग के पीछे बिजी हो जाते हैं। अरे क्रेजी लोग का है ना वाई रहता है, उनके पास एक वाई रहता है कि भाई मुझे क्या करना है, उसका वाई रहता है, राइट। और वो वाई उनके पास होता है ना तो वो हाउ ढूंढ लेते हैं, राइट। तो आपके पास ऐसा वाई जो है, तो आपके पास कैसा वाई है, तो आपके पास ऐसा वाई है जो आपको रोने के लिए मजबूर कर दे, एकदम ऐसा वाई होना चाहिए। जैसे इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम बताया भाई रोल्स रॉय मुझे चाहिए, तो वो वाई है रोने जैसा, भाई कैसे भी क्रिएट करना है मुझे, राइट। तो जब हम पैदा हुए तो हम रोते थे, लेकिन हम जावे ना तो दुनिया अपने पीछे रोनी चाहिए, राइट। इस तरह का अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए। तो कुछ कर गुजर ऐसा कि हर कोई बनना चाहे तेरे जैसा। कुछ करना तो है, टटकर चाहे थोड़ा दुनिया से हटकर चले, लीक पर तो सभी चलते हैं, लेकिन कभी इतिहास को पलट कर तो देखे। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि भी बीवेयर ऑफ सम स्कैमर्स और अनक्वालिफाइड एडवाइजर्स एंड प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट वाइजली। अभी ये जितने भी यूट्यूब पे और सब जो चीज़ आती है, तो उसमें थोड़ा संभालना पड़ेगा अपने आप को और सब चीज़ में। देखो हम सब जानते हैं कि जब से डिजिटल टाइम आया है ना, तो बहुत से डिजिटल एडवाइजर भी आ गए हैं जो आपकी भावनाओं का शोषण करते हैं। अच्छा, वो कैसे शोषण करते हैं मैं बताता हूँ। वो जानते हैं कि आप बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा, वो जानते हैं कि भाई आपके पास रिसर्च करने का कोई समय नहीं है। वो जानते हैं कि आपको मेहनत करने की इच्छा नहीं है। वो जानते हैं कि भाई आप यूट्यूब टीवी फेसबुक इंस्टा पे आने वाले किसी भी रैंडम रिसर्च पे है ना आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, बस आप इन टिप बेचने वालों के बहका में आ जाते हैं, राइट। तो अभी क्या होता है नॉर्मली, तो मेरी बात एक याद रखना कि भाई टिप से है ना आदमी कभी धनवान नहीं बन सकता है, क्योंकि टिप जो रहती है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, लंबे समय के लिए अपने को निवेशित नहीं रख सकती है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में अपन बेच देते हैं फिर अपन वो करते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए आपके पास ऐसा कोई एडवाइजर जरूरत है जो जीवन पर्यंत आपके पास रहे, आपको जानता हो, आपके परिवार को समझता हो, तभी तो आपकी ये फाइनेंशियल यात्रा पूरी कर पाएंगे। फिर तो जिंदगी कोई अपना सिनेमा की टिकट की तरह नहीं है कि भाई 2 घंटे में सिनेमा देखा और ख़त्म। तो मेरी बात पे आप गौर कीजिएगा और चिंतन कीजिएगा दोस्तों। तो एक जीवन जो है ना अपना एक मौसम की तरह होता है, जैसे मौसम भी 4 टाइप की रहती है ना। तो पहले स्प्रिंग आएगी, वसंत बहार, तो अपना जीवन भी 0 से 20 में वसंत बहार जैसा रहता है, स्कूल कॉलेज अपना फ्रीडम रहता है, एकदम मस्त लाइफ रहता है। जैसे 20 to 40 आता है ना, तो वो जैसे समर, तो जैसे गर्मी लगती है, तो अपने को यहाँ पे भी ऐसा संघर्ष लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। हर चीज़ पहली बार होती है, कार लोन मैंने पहले ले लिया, हाउसिंग लोन ले लिया,
मैरिज भी होता है, ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम होती है, तो संघर्ष रहता है लाइफ में। 40 से 60 तक है ना विंटर सीजन, तो ये पीरियड जो रहता है ना उसमें क्या होता है, हर दो चीज होती है, दूसरी चीज होती है, जैसे सेकंड होम हो जाता है, एजुकेशन लोन लेते हैं बच्चे लोग के लिए स्टडी के लिए, ये सब चीज होती है। 60 और 100 वो रेनी सीजन होती है, उस टाइम पे इनकम नहीं रहती है, वो घर में कहाँ कहाँ छेद है, कहाँ से बारिश आ रहा है, वो सब अपने को ध्यान रहता है। तो जब हम बारिश में रहेंगे ना, तब अपने बच्चे जो है ना वो गर्मी की सीजन में रहेंगे, क्योंकि बच्चे की एज 20 से 40 में रहेगी, राइट, और अपनी एज रहेगी 60 से 100 में। तो जो आपके लिए स्ट्रगल मिस समझो के करते हैं, तो बच्चे माँ बाप को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे लोग तो खुद अपने आप को मिस स्ट्रगल में है, तो अपने को खुद को वो हेल्प नहीं कर पा सकते, अपने को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने माँ बाप को दिल में बच्चों का, हर एक माँ बाप के दिल में बच्चों का प्यार दिया ही है भगवान ने, लेकिन बच्चों के दिल में भी माँ बाप का प्यार दिया, लेकिन उनके परिवार के लिए प्यार दिया है, राइट। तो वो क्या चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि भाई अपने आप निर्भर रहे, अपने परवरिश, अपना परवरिश वो बच्चों लोग का कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे हमें रखेंगे, कैसे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे। क्योंकि जब भी हम बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, और जब भी बच्चे लड़खड़ाते हैं तभी हम संभाल लेते हैं, लेकिन अपनी जब एज होगी तभी अपने पैर लड़खड़ाएंगे ना, तभी वो बच्चे अपने को संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे वो मालूम नहीं है। क्योंकि बच्चों का जो है ना एजुकेशन लोन भी मिल जाएगी, उनको सारी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन हमें रिटायरमेंट होने के लिए है ना कभी भी रिटायरमेंट लोन या पेंशन लोन नहीं मिलेगी। तो जीवन में आपको जैसे हर मौसम के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अपने को तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में पेंशन फंड जरूरी है ही, अगर पेंशन नहीं है ना तो टेंशन क्रिएट होता है दोस्तों। अभी ग्रेट सेल्स पीपल्स रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि रिलेशनशिप निर्माण करते हैं, जो दौड़ जीतने में एक दूसरे की मदद करते हैं, जो अपने रणजीत सर करते हैं। आज हमको कुछ भी टारगेट है ना, वो लेके बैठे, यहाँ से किसी को बुलाते हैं, वहाँ से किसी को बुलाते हैं, भाई इसका आइडिया आप ले लो, इसका तो आप रेस में जीतो, ऐसा है। तो आपने कछुई और खरगोश की कहानी सुनी होगी, लेकिन पूरी नहीं सुनी होगी, तो अभी हम वो स्टोरी बोल रहा हूँ कि दोनों रेस लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो खरगोश क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो सो जाता है, और कछुआ रेस जीत जाता है। तो इसमें अपने को क्या सीख मिलता है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अभी मैं पार्ट टू पे जाता हूँ कि खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, अभी वो दोबारा बोलता है, उसको बोलता है नहीं नहीं अभी अपन दोबारा रेस लगाते हैं। अभी खरगोश है ना एकदम अलर्ट हो जाता है और वो रेस जीत जाता है। तो इसमें सेकंड में सीख क्या है कि भाई गलतियाँ को ध्यान में रख के वो गलतियाँ को दोहराना नहीं है अपने को, और उसको कंटिन्यू करना है। अभी पार्ट थ्री में क्या हो जाता है कि दोनों थोड़े थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं। अब कछुआ बोलता है चल एक बार और रेस लगाते हैं, अब है ना रास्ता उन लोग चेंज कर देते हैं। तो शुरू शुरू में खरगोश तो शुरू कर देता है, लेकिन बीच में रिवर आ जाती है। अभी रिवर आ जाती है तो कछुआ तो रिवर को क्रॉस कर देता है, लेकिन वापस वो खरगोश ऐसे ही रह जाता है, हार जाता है। तो यहाँ पे अपने को क्या सीख मिलती है कि अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। अभी पार्ट फोर में अब दोनों क्या करते हैं, फ्रेंडली मैच करते हैं। अभी वो दोनों समझ गए, अभी क्या करते हैं कि खरगोश जो है ना स्टार्ट करता है, तो जमीन का रास्ता है तब तक कछुआ को ऊपर लेता है, फिर रिवर आ जाती है तो रिवर में कछुआ के ऊपर खरगोश आ जाता है, और दोनों अपना रास्ता क्रॉस कर देते हैं। तो इसमें से अपने को ये सीखना है कि फ्रेंड ऐसे बनाओ कि जिसकी ताकत आपकी वीकनेस हो, आप मोटिवेट भी रहोगे और रास्ता भी आसान रहेगा, तो हम जानकार बनेंगे, शानकार बनेंगे और दिलचस्प बनेंगे। थैंक यू एवरीवन, और बेस्ट विशेस फॉर यू।